इंडियन आइडल 12 का खिताब जीतने वाले पवनदीप राजन पर तोहफों की बौछार हो रही है। अभी हाल ही में पवनदीप राजन को सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने समान स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन जीत के बाद सीएम के आवास में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। पवनदीप राजन ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में खिताब अपने नाम किया। उनको प्राइज में चमचमाती कार और 25 लाख रुपए मिले। उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन अच्छा गाते हैं। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। वो पहले भी एक सिंगिंग रियलिटी शो जीत चुके हैं। वो 2015 में टीवी शो द वॉइस ऑफ इंडिया जीत चुके हैं। वो इंडियन आइडल 12 के खिताब के सबसे मजबूत दावेदार माने गए थे। पवनदीप को म्यूजिक विरासत में मिला है। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने बचपन से ही म्यूजिक सिखाया। स्वर्गीय दादा रति राजन भी अपने समय के मशहूर लोक गायक थे। पवनदीप राजन उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं। उनके पापा सुरेश राजन कुमाऊं के मशहूर सिंगर हैं। पवनदीप राजन की नानी भी फोक सिंगर थी, इसलिए पवनदीप को सिंगिंग विरासत में मिली है। इंडियन आइडल 12 के विनर तो पवनदीप राजन बने और बाकी कंटेस्टेंट यानी अरुणिता कांचीलाल, शर्मुख प्रिया, शायली कामले और मोहम्मद दानिश ने भी जमकर लाइमलाइट बटोरी। पवनदीप के बाद अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है तो वो है अरुणिता कांचीलाल, जहां अरुणिता ने विनर पवनदीप के साथ खूब गाने गाकर लाइमलाइट बटोरी, तो वहीं मोहम्मद दानिश ने अपने YouTube चैनल पर विनर पवनदीप और अरुणिता के साथ खूब वीडियो बनाकर अपलोड किए और दानिश के इस YouTube चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। दानिश ने इंडियन आइडल पे शूट के दौरान खूब सारी वीडियो बनाई थी और अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा लिए। इस बीच दानिश के YouTube चैनल की एक वीडियो भी सामने आई है जो खूब वायरल हो रही है। ये वीडियो इंडियन आइडल के सेट का आखिरी शूट बताया जा रहा है। जी हाँ, दानिश वीडियो में बताते दिख रहे हैं कि आज हमारा इंडियन आइडल के सेट पर आखिरी बार मेकअप हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर में रिजल्ट आने वाला है और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इस दिन को दानिश ने बहुत यादगार बनाया है और अपनी यादों को वीडियो में दिखाया है। दानिश वीडियो में बाकी सभी कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं, मेकअप रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले दानिश गरिमा से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद शनमुख प्रिया से मिलवाते हैं। शनमुख प्रिया का मेकअप हो रहा होता है। वो कहती हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन बचा है। दानिश भी कहते हैं कि हाँ, ये तो बात है, आज बहुत बुरा लग रहा है और हम सब अलग हो जाएंगे। इसके बाद दानिश आगे बढ़ते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ अरुणिता कांचीलाल का मेकअप हो रहा होता है। अरुणिता के पास ही दीप शिखा भी होती हैं। उनका नाम लेकर भी दानिश इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लेकिन वो अरुणिता का नाम तो छोड़ो, उन्हें दिखाते भी नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, दानिश ने इस वीडियो में कहीं भी अपने करीबी दोस्त पवनदीप का नाम तक नहीं लिया, जिनकी वजह से दानिश के YouTube चैनल को फायदा मिला। ऐसा हम नहीं बोल रहे बल्कि वीडियो में आ रहे कमेंट बता रहे हैं। लोगों को कहना है कि जब तुम सबको दिखा ही रहे हो तो तुम पवनदीप को कैसे भूल सकते हो। वो पवनदीप जिनकी वजह से तुम्हारी वीडियो खूब वायरल हो रही है, उनकी भी एक झलक दिखानी चाहिए थी। क्या वो दुखी एक किनारे हैं? उनके बाद दानिश सायली कामले तक से मिलवाते हैं, लेकिन पवनदीप को वो कहीं भी नहीं दिखाते। सायली कामले के चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी, वो बहुत खुश दिख रही थी। सायली वीडियो में कहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन कहीं भी दानिश ने अपनी इस वीडियो में पवनदीप को नहीं दिखाया। वेल, आप इनकी दोस्ती पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अरुणिता कांचीलाल भले ही इंडियन आइडल 12 का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई हो, लेकिन जितना ही प्यार पवनदीप राजन को मिला उससे कहीं ज्यादा प्यार अरुणिता कांचीलाल को भी मिला, इसलिए पवनदीप की तरह अरुणिता को भी खूब याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें भी खूब बधाइयां दी जा रही है और इनके साथ बिताए पलों की वीडियोस, फोटोज खूब शेयर किए जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर अरुणिता पवनदीप की लव स्टोरी के काफी किस्से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है, लेकिन जिस तरह से वीडियो में इनकी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं,
को देखकर शायद आप भी अपना ओपिनियन बदल सकते हैं। अरुणिता पवनदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक घर में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो इंडियन आइडल 12 का फिनाले होने के कुछ घंटों बाद का ही है, जब ये पांच फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट अपने रूम में रेस्ट करने गए थे और इन पांचों ने उस बीच एक दूसरे के साथ खूब मस्ती की। ये वीडियो दानिश ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करने के लिए बनाया था। दानिश ने वीडियो में बताया था कि पवनदीप ने ये खिताब जीता है और हम सभी फाइनलिस्ट ने खूब मौज मस्ती की है। दानिश ने पवनदीप और अरुणिता को स्पेशल थैंक यू भी बोला। दानिश अरुणिता की जर्नी के बारे में सवाल पूछते हैं। खास बात, पवनदीप अरुणिता इस बीच बिल्कुल पास पास एक ही कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से शर्मा भी रहे हैं। लोगों ने पवनदीप और अरुणिता की नजदीकियों के बारे में सवाल भी पूछे। वही एक और चीज गौर करने वाली थी, वो ये कि वीडियो में पवनदीप भी अरुणिता को गौर से देखते नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है। अब वाकई इनका रिश्ता दोस्ती का है या फिर दोस्ती से बढ़कर, आप ही बताइए। अरुणिता पवनदीप ने वाकई में सबका दिल जीत लिया। अगर पवनदीप ने शो जीता तो अरुणिता ने लोगों का दिल जीता। दोनों की बॉन्डिंग ने वाकई में धमाल मचा कर रख दिया। हर किसी को इनकी जोड़ी हमेशा याद रहेगी। खैर, इंडियन आइडल में इनका सफर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इनका दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहा है। जी हां, एक वीडियो सामने आई है जिसमें पवनदीप बहुत शांत बैठे नजर आ रहे हैं और उदास भी दिख रहे हैं, और ये वीडियो इनकी शूटिंग का आखिरी दिन का वीडियो है। जी हां, पवनदीप की उदासी की वजह अरुणिता कांचीलाल बताई जा रही हैं। उस वक्त पवनदीप को इस बात की उदासी नहीं थी कि वो ये शो जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन दुख इस बात का था कि अरुणिता उनसे अलग हो रही है। शो के आखिरी दिन का ये वीडियो बनाते हुए दानिश ने बताया कि आज हम लोगों का आखिरी दिन है शो पर, गर्ल्स अलग हैं और हम तीनों इधर हैं। दानिश कह रहे हैं कि आज हमारा शूट का आखिरी दिन है और हमें नहीं पता कि कौन ट्रॉफी जीतेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहेगी और हम एक दूसरे को बहुत याद करेंगे, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। इस जर्नी में हमने प्यार दोस्ती ही कमाई है, लोगों का प्यार हमें बहुत मिला, दोस्तों का साथ बहुत मिला। दानिश ने वीडियो में ये भी कहा कि आज पवनदीप भाई बहुत उदास नजर आ रहे हैं। कई फैंस ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि आप पवनदीप अरुणिता से अलग होने पर दुखी हैं। पवनदीप अरुणिता को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अरुणिता पवनदीप की फैमिली के भी बहुत क्लोज हो चुकी हैं। इसलिए फिनाले वाले दिन पवनदीप की बहन ज्योति दीप ने अरुणिता से कुछ पर्सनल बातें भी की और उनके साथ फोटोशूट भी कराया था। अरुणिता पवनदीप की माता बहन के साथ खूब मस्ती करती नजर आई थी। फैंस ने इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया। अरुणिता ने बताया कि वो और पवन अच्छे दोस्त हैं। वो बोली कि हाँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हम दोनों को इतना प्यार किया और तारीफ की। हमने साथ में लंबा सफर तय किया और आगे भी एक दूसरे का सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। पवनदीप ने आगे कहा, मुझे लगता है कि वक्त के साथ लोगों को एहसास हो जाएगा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। पवन ने कहा कि अभी तो हम बहुत यंग हैं और करियर पर सिर्फ फोकस देना है, ये सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारी दोस्ती तब तक बनी रहे जब तक हम बूढ़े हो जाएं।